हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएलसी। इस वीडियो में हम माउस और ट्रैक बॉल के बारे में जानेंगे। हर किसी ने कभी ना कभी माउस यूज किया ही होगा। माउस एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, 150-150 में माउस मिल जाता है। और माउस को यूज करके अगर हम कोई कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। बहुत आसानी से हम कंप्यूटर के हर फीचर तक पहुंच जाते हैं माउस को बस ड्रैग करके। आपने देखा होगा जब हम माउस को ड्रैग करते हैं तो एक कर्जर होता है, कर्जर नहीं सॉरी उसको पॉइंटर बोलते हैं, बहुत सारे लोग कर्जर बोल देते हैं, लेकिन पॉइंटर जो तीर होता है, जो एरो होता है, उसे माउस पॉइंटर बोलते हैं। जब हम माउस को रोटेट करते हैं या ड्रैग करते हैं तो वो मूव होता है स्क्रीन पर, वो मूव होता है, जो भी डेस्कटॉप है उस पर वो मूव होता है। तो चलिए देखते हैं माउस क्या होता है। एक आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक माउस, उस माउस में दिखाया गया है कि लेफ़्ट बटन, राइट बटन, एक स्क्रॉल बटन होता है। तो हालांकि आप में से बहुत सारे लोग माउस को डेली यूज करते होंगे, माउस से कोई अनजान आज के डेट में नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है, जैसे कि क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी अनुसार से कुछ हम यहाँ पर पढ़ते हैं, फिर उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस, बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। माउस न रहने से कीबोर्ड से भी हम ऑपरेट कर ही लेते हैं, लेकिन काफ़ी दिक्कत होता है। व्हेन वी ड्रैग द माउस पॉइंटर मूव्स ऑन द स्क्रीन, माउस पॉइंटर स्क्रीन पे मूव होता है। टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम वी क्लिक द माउस बटन, कोई भी प्रोग्राम खोलना होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर खोलना होता है, एप्लीकेशन डबल क्लिक करते हैं खुल जाता है, माउस पे डबल क्लिक करते हैं तो वो खुल जाता है। इट हैज थ्री बटन, लेफ्ट राइट स्क्रॉल। देखिए यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा, ये माउस पे, जैसे कि मेरे पास भी ये माउस पड़ा हुआ है, ये क्या है, इसको हम लोग ऐसे पकड़ते हैं तो ये हो गया लेफ्ट बटन, ये हो गया लेफ्ट बटन, ये हो गया राइट बटन, और ये हो गया बीच वाला स्क्रॉल बटन। तो वही है, ये आपका लेफ्ट बटन हो गया, ये राइट बटन हो गया, ये स्क्रॉल बटन हो गया, ये व्हील के तर्ज पे काम करता है, लेकिन इसमें एक बटन छुपा रहता है, जब इसको प्रेस कीजिएगा तो कट कट करके आवाज़ आता है। जनरली द माउस इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए दो तरह का यूजर इंटरफेस होता है। आजकल जो भी हम लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, ये सब डिवाइस में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो ग्राफिक्स का मतलब आइकॉन दिखे, छोटा छोटा ग्राफिक्स दिखे। देखते हैं प्रिंट निकालना रहता है तो वहाँ पे एक पेज का या प्रिंटर का एक छोटा सा लोगो लगा रहता है, तो मतलब वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का हिस्सा है। पहले कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता था, जब पहली बार कंप्यूटर थोड़ा सा चलन में आया था तो उस समय माउस नहीं होता था। ठीक है, माउस सबसे ज्यादा यूज होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, बिकॉज GUI वी कैन सिंपली पॉइंट टू ऑप्शन एंड ऑब्जेक्ट एंड क्लिक ए माउस बटन। GUI में मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में सिंपली हम लोग पॉइंट करते हैं उस ऑप्शन पे या उस ऑब्जेक्ट पे और उस पर क्लिक कर देते हैं, मेरा काम हो जाता है। माउस वाज इन्वेंटेड बाई डगलस इंगेलबर्ड, ये कभी कभी पूछा जाता है, डगलस इंगेलबर्ड, ये इन्होंने माउस बनाया था। तो जनरली माउस का दो टाइप होता है, वो आप लोग थोड़ा सा सर्च कीजिएगा पता चलेगा, एक होता है मैकेनिकल माउस, एक होता है ऑप्टिकल माउस। ये जो है ऑप्टिकल माउस है, इसके पीछे लेंस लगा रहता है इसमें, और इसमें से लाइट निकलता है। आप लोग देखे होंगे जब भी माउस उठाते हैं तो उसके पीछे से रेड लाइट या ब्लू लाइट जलता है, तो वो ऑप्टिकल माउस होता है। तो ये भी एक ऑप्टिकल माउस है, ऑप्टिकल माउस, इसे पक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा छोटा सा माउस का इंट्रोडक्शन। देखिए माउस की तरह ही काम करता है ट्रैक बॉल, लेकिन ट्रैक बॉल उतना यूज में नहीं है आज के डेट में, ये कहीं कहीं यूज में देखने को मिलता है। ट्रैक बॉल ऐसे भी पाया जाता है रेक्टेंगल शेप में, यहाँ पे बॉल होता है और यहाँ पे लेफ्ट और राइट बटन बनाया रहता है, जैसे कि ये इसका लेफ्ट बटन है और ये इधर इसका राइट बटन है और ये हो गया इसका बॉल। तो देखिए ये माउस की भांति ही काम करता है, इसमें भी लेफ्ट बटन राइट बटन है। माउस के लिए क्या होता है, माउस के लिए हमको एरिया चाहिए, इसको
मूव करने के लिए, मतलब इसको क्या करना है, इधर उधर अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा एरिया चाहिए। लेकिन ट्रैक बॉल में क्या है, ये स्थिर रहता है, इसके बॉल को ही हम घुमाते हैं और जो भी माउस पॉइंटर है वो मूव होता है स्क्रीन पे। तो फ़ायदा ये हो जाता है कि ये स्थिर रहता है और इसके बॉल को ही हम ऐसे ऐसे बॉल को नचाते हैं और स्क्रीन पे जो भी है वो माउस पॉइंटर इधर उधर मूव होते रहता है, बस यही फ़ायदा है। तो ये कहीं कहीं देखने को मिलता है, हालांकि इस तरह का रेक्टेंगल शेप में कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, वैसे वैसे जगह पे देखने को मिल जाएगा जहाँ एक कंप्यूटर फिक्स किया हुआ है और स्टील का कीबोर्ड दिया रहता है और बगल में ट्रैक बॉल दिया रहता है, कियोस्क बोलते हैं उसको। वो मेट्रो सिटीज में जाइएगा तो उस तरह का कहीं कहीं आपको सिस्टम देखने को मिल जाएगा, पब्लिक के लिए लगाया रहता है, पब्लिक प्लेस पे लगाया गया रहता है। इट इज़ वेरी ओल्ड टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, बहुत ही पुराना इनपुट डिवाइस है। इट वर्क्स लाइक माउस इट्स शेप एंड साइज डिफरेंट, शेप एंड साइज टोटली डिफरेंट है। ए ट्रैक बॉल कंटेन्स ए बॉल विच कैन रोटेट इन एनी डायरेक्शन, बॉल है उसको चारों दिशाओं में मूव कर सकते हैं। द यूजर इन स्पिन द बॉल इन डिफरेंट डायरेक्शन टू मूव द कर्सर माउस पॉइंटर ऑन द मोनिटर, मोनिटर पर माउस पॉइंटर को मूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस में आता है, ठीक है, माउस का अल्टरनेटिव हो गया, मतलब माउस जहाँ यूज नहीं करना वहाँ ट्रैक बॉल यूज कर लिए। शुरुआती में जब लैपटॉप आता था तो उसमें ट्रैक बॉल ही आता था, अब क्या कर दिया, टच पैड, अब टच पैड का आविष्कार हो गया तो टच पैड डाल दिया। तो टच पैड में बॉल उल का कंसेप्ट तो है नहीं, बस हम लोग टच करते हैं और काम करते हैं। चलिए, तो एक छोटा सा ये टॉपिक था जिसमें दो ही इनपुट डिवाइस हमने कवर किया, फिर आने वाले जो भी वीडियोज़ है उसमें बाकी इनपुट डिवाइस कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले।